नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं 23x30 के प्लान के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर आप यहाँ पे देख पाएंगे, और ये इसका 3D है। आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलो बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मेन गेट दिया है, और जो ये आपका घर है वो आपका वेस्ट फेसिंग है। मेन गेट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे हमने स्टेयर लगाई है जो यहाँ से अप और इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। ड्राइंग रूम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है बिल्कुल एंट्री पे, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 9 फिट बाई 11 फिट का ड्राइंग रूम है। यहाँ पे हमने कुछ अलग तरीके से ट्राई किया है, जहां पे ये एंट्री है जो आपका 2 फिट 9 इंचेस वाइड पैसेज बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मास्टर बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे चिल्ड्रन बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे दूसरे बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किचन प्रोवाइड की है, और यहाँ पे ओपन एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन एरिया ताकि यहाँ पे वेंटिलेशन और यहाँ पे वेंटिलेशन बना रहे। टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन यहाँ पे गिवन है, और यहाँ से स्टोर इसके साथ अटैच है जो आपका मास्टर बेडरूम है। ये टॉयलेट आपका कॉमन टॉयलेट रहेगा। यहां से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टेरिस पे आपकी एंट्री होगी, और सेम एरिया ऊपर की तरफ बना हुआ है जो यहाँ पे गेस्ट रूम है। सेम आप पीछे की तरफ चिल्ड्रन यहाँ पे रूम देख सकते हैं, ये ओपन टू टेरिस रहेगा। यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे आप एज इट इज किचन भी बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम, फिर यहाँ पे स्टोर एंड टॉयलेट यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से आप 23x30 का बना सकते हैं। और इसका अगर आप 3D देखते हैं तो इस प्रकार से आप इसका 3D डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।